हेलो गाइस, तो आप जो ये डिवाइस देख रहे हो, अब कंफ्यूज हो गए थे ये क्या डिवाइस है। गाइस, सऊदी अरबिया के रास्ता में तन्हो तना ये रखा हुआ डिवाइस आप देख के कंफ्यूज हो गए कि ये क्या डिवाइस है। तो गाइस, आज इस डिवाइस के बारे में पूरी बताने वाला हूँ। एक ये कैमरा है गाइस, ये ऑटोमेटिक चलान काटने वाली मुखालफा काटने वाली मशीन है गाइस। जैसे अगर एक लिमिट स्पीड रहता है सऊदी अरबिया में, जैसे अगर 50 का लिमिट स्पीड है, अगर 50 से ज़्यादा हो गए तो आपका ये मशीन जो आपका दिख रहा है ऑटोमेटिक चलान काट देगा। इसलिए ये डिवाइस लगाया गया है। इस डिवाइस के जस्ट बाजू में बहुत बड़ी पार्किंग है। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा डिवाइस ज़मीन पे रखने की क्या ज़रूरत है सऊदी अरबिया में। हालांकि इसको किसी अच्छी सी जगह बना के फिक्स करना चाहिए। इसे तनो तनहा रोड पर डिवाइस नहीं रखना चाहिए, कोई चोरी कर लेगा। ऐसे खाली फोकट मशीन रखा हुआ है गाइस, ऐसे नहीं रखना चाहिए। ये इसलिए रखा गया है यहाँ पे सऊदी अरबिया में हर जगह ऑटोमेटिक डिवाइस लगी रहती है, ऑटोमेटिक चलान कटती है सेम टू दुबई में। बट यहाँ पे इसलिए ये रखे है कि ऐसी जगह पे ये मशीन रखी है, यहाँ पे ज़्यादातर एक्सीडेंट होती है, यहाँ पे 5-6 रास्ते आके मिलते हैं, यहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट होती है। इसलिए यहाँ पर यह मशीन रख दी गई है ताकि कोई देखे और अपने आप को कंट्रोल में रहे, ज़्यादा स्पीड में गाड़ी ना चलाए। देख सकते हो कि ये मशीन है, दो बैटरी रखा हुआ है गाइस, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कैमरे लगे हुए हाई क्वालिटी के, सेकेंडों में कैच कर लेते कितने स्पीड में भी रहोगे। और इसको सिक्कर से ना चैन से लॉक करके ताला मार दिया गाइस, ताकि कोई यहाँ से उठाए ना इस मशीन को। अगर बिहार में रहता तो इस सब सही थे, बैटरी को चोरी करके बेच लेता लोग, बट यहाँ पर कोई नहीं पूछेगा, उठा ही नहीं सकता है यहाँ पे। तो ये मशीन है ऑटोमेटिक, अगर स्पीड अगर लिमिट बढ़ेगा तो आपका चलान कट जाएगा बगैर कहे हुए। ट्रैफिक पुलिस की कोई ज़रूरत नहीं है, एरोबेटिक सिस्टम है। तो गाइज, ये सऊदी अरबिया में मैं बावे आ रहा था तो मुझे देखा, मैं भी कंफ्यूज हो गया। मैं बोला ये मशीन क्यों रखा है इधर सऊदी अरबिया के रोड पर हुए साइड में। तो बाद में मालूम चला ये तो ऑटोमेटिक डिवाइस है जिससे चलान कटती है गाड़ी इसकी। अगर आप कानून के उल्लंघन करते हो तो आपका चलान काट लेगा कितनी भी स्पीड में रहो। इसमें कैमरे की जो क्वालिटी मेगापिक्सल रहता है गाइस, बहुत ही कड़क रहती है, सेकंड में ही आपका कैच कर लेगा गाड़ी। इसका फोकस ही रहता है नंबर प्लेट पे। ये सऊदी अरबिया के बीच रोड पे ऐसे साइड में रखी, इधर बाजू में पार्किंग है, 5-6 रास्ते यहाँ पर मिलती है गाइस। तो आपने देखा कि नीचे ही रखा है, हालाँकि ये ऊपर फिट रहता है, आपने देखे होंगे ब्रिज टाइप बनाया रहता है, वहाँ फिक्स है। ये इधर देख सकते हो गाइस, सऊदी अरबिया में सऊदी लोग के जो घर होते हैं वहाँ एक मंजिल के रहते हैं, वो फ्लोर नहीं रहते। और यहाँ पे हर जगह नारियल लगी रहती है, ये जो नारियल रहती है सो के लिए रहती है, और वो फरती है और खुद ब खुद पक पक के सूख सूख के गिरती है, इसको यूज नहीं करती और अपना नारियल खाए। सॉरी, या नारियल बोलता हूँ, अरे वो खजूर के पेड़ है, नारियल तो इधर थोड़ी नहीं होती है, नारियल लोग भी जमेगी नहीं। यहाँ पे खूबसूरती दुबई है, यूरोप कंट्रीज में ज़्यादातर खजूरें होती है, रेगिस्तानी इधर जितना चाहो तुम खा सकते हो, तोड़ सकते हो। यहाँ पे मस्जिद में खाया जाता है, मुश्किल सस्ते में वाइज ये बिल्डिंग देख सकते हो। यहाँ पे भी सऊदी अरबिया के बिहार में बिल्डिंग बनने स्टार्ट हो, देख सकते हो बड़े बड़े बिल्डिंग दुबई की तरह। और यहाँ की गाड़ी बहुत स्पीड रहती है, इधर सऊदी जो लोग रहते हैं जो बड़े लोग रहते हैं तेज़ गाड़ी चलाते हैं, देखते ही नहीं है कि मैं शरीफ रोड पर उड़ाई देता।